प्रकार होता है, लेकिन फिर भी एक बार करते हैं। प्राणायाम करने से पहले आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए।
स्पाइनल कोड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कमर आगे की तरफ झुकी ना हो, कमर पीछे की तरफ ज्यादा झुकी ना हो, ट्विस्ट ना हो, कमर गर्दन सीधी, ताकि जो आपका मेरुदंड है वो सीधा रहेगा, तो जो कुंडलनी शक्ति होती है, जो अनकॉन्शियस पावर होती है बॉडी में, वो कॉन्शियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कुंडलनी शक्ति आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, योग में कुंडलनी का जागरण होता है। कुंडलनी क्या होती है? कुंडलनी एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे बॉडी में शक्ति तो है लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं है, वो सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है, वो सो रही है। माने एक बैंक बैलेंस है हमारे पास लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमारी प्रॉपर्टी है लेकिन लॉकर में रखा है और लॉकर की चाबी खो गई है, उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसी जो पावर है, ऐसी जो ताकत है, ऐसी जो शक्ति है, वो कुंडलनी कहते हैं, जिसको हम अनकॉन्शियस पावर कहते हैं। सुप्त अवस्था में जो पड़ी है उसको कॉन्शियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बैठने की विधि आपकी सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड आपका बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी जो चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर तक आती है। आप कहेंगे कि कितनी शक्ति है? एक व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आप सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए होंगे जब आप किसी विकट परिस्थिति में घिर गए होंगे। कोई हिंसक पशु आपके सामने से आ रहा है या कोई सांप आपने देख लिया हो, तो आप बहुत दौड़ करके भागते हैं, बहुत लंबी छलांग आप लगा देते हैं, पेड़ पर आप चढ़ सकते हैं। एक किसान जो खेत में काम कर रहा है थक हार करके बैठ गया है और उसकी एक कदम चलने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन जैसे उस सांप को देखता है दौड़ने लगता है जबकि चलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे पीछे से हिंसक पशु मेरे पीछे पड़ा है तो मैं 5 फीट का दूरी है वो नहीं कूद सकता, लेकिन मैं 15 फीट की जो खाई है उसको भी मैं पार कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पीछे हिंसक पशु लगा हुआ है और मुझे पता है कि इसने मुझे हिट किया तो मैं मर सकता हूं। यानी कि जब इमरजेंसी ग्लैंड एक्टिव होता है तब वो कुछ समय के लिए वो पावर हमारे भीतर आती है। किसी ने इंजेक्ट नहीं किया उसको, किसी ने बाहर से तो नहीं दिया ना। आपके अंदर पावर थी तो आप कूदे, आपके अंदर पावर थी तो आप पेड़ पे चढ़ गए, आपके अंदर पावर थी तो आप दौड़े। किसी ने बाहर से उस पावर को इंजेक्ट नहीं किया तो आप मान करके चले कि वो पावर आपके भीतर है, वो शक्ति आपके भीतर है। लेकिन इमरजेंसी ग्लैंड के एक्टिव होने से, मरने का खतरा देखने से, पीड़ित होने से का खतरा देखने से वो पावर थोड़ी देर के लिए आपके जागृत हो गई, उसको समय बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं योग का जो उद्देश्य है कि वो अनकॉन्शियस जो पावर है वो 24 आवर आपके पास है, जो चाहता है वो प्राणायाम करे। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, पहले हमेशा बाई नासिका से श्वास को ग्रहण करते हैं और दाई से छोड़ते हैं और फिर दाई से लेंगे और बाई से छोड़ेंगे। इस प्रोसेस में 3 से 5 सेकंड का समय आप लें तो एक नॉर्मल है, एवरेज है। और ये भी प्राणायाम एक स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, प्री वर्कआउट बता रहा हूँ, जो पूरा प्राणायाम है तो नाड़ी शुद्धि और बाह्य प्राणायाम को मैं बताऊंगा। लेकिन इससे करने से पहले आप अनुलोम विलोम का अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो नॉस्ट्रल है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ करेंगे। दाएं हाथ को आप दाएं हाथ की अंगूठा उंगली ऐसे भी कर सकते हैं या पहली उंगली को अंगूठे को भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे सर, दाएं नासिका को, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और बाएं से श्वास को ग्रहण करेंगे। साउंड लेस, साउंड नहीं आना चाहिए, हम चाह रहे हैं बढ़ेगा ऐसे। पास में बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए मैंने इन्हेल किया कि एक्सहेल किया। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करो, फिर राइट से लो और लेफ्ट से छोड़ो। दोबारा फिर लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़ दें, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़ दें। आवाज कम करें, मुझ तक साउंड आ रही है, एक आपके पास में बैठे व्यक्ति को भी साउंड नहीं आनी चाहिए। मैंने सबकी अटेंडेंस लगा ली, सब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ध्वनि करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा, सुना करेंगे तो भी पता चलेगा, लेकिन बात यह कि आपको सही तरीका आना चाहिए। कमर सीधी है कि हम प्राणी हैं और प्राणों के ऊपर आधारित हमारा जीवन है। जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं, फिर चाहे आपका हार्ट सही हो, आपका लीवर सही हो, आपका ब्रेन सही हो, आपकी हार्ट बीट सही हो, कुछ भी सही हो, कोई चीज काम नहीं करती। प्राण के ऊपर आधारित है पूरा शरीर, तो प्राण को जिसने बलिष्ठ कर लिया, प्राणायाम को जिसने मजबूत कर लिया, प्राणायाम के द्वारा करते रहिए आप करते रहिए। अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए। प्राण प्लस आया यानी कि प्राण का विस्तारीकरण, प्राण को
संतुलित करना, उसका विस्तार करना, उसको अपने कंट्रोल में लेना। जैसे कहा गया कि प्राणायाम करने से आपकी मृत्यु को भी जीत सकते हैं। लंबी उम्र का राज क्या होता है? यही तो होता है, एक कछुआ एक मिनट में 4 सांस लेता है और एक मनुष्य 15 से 16 सांस लेता है, 15 से 18 तक। लेकिन जैसे आप देखेंगे बीमार व्यक्ति तेजी से सांस लेता है, भागता है, और जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति होता है वो बड़ा रिलैक्स होकर सांस लेता है। और जितना व्यक्ति तो देखेंगे, जितना पर्सनैलिटी जिसकी जितनी अच्छी होगी उसका सांस बहुत धीर होगा, गंभीर होगा, और जो जितना उतावला होगा, जितना उत्तेजक होगा, जितना तीव्र गति से काम कर रहा होगा, राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उसका श्वास उतना ही तेज गति से चलेगा। तो श्वास के ऊपर कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राणी ने प्राण का अभ्यास नहीं किया तो सबसे पहला दायित्व किसका बनता है? अपने जीवन का, अपने जीवन में किसका बनता है? प्राण का। तो प्राण का नाम इसलिए आपसे कर रहा है। दूसरा, भगवान शिव ने जिस प्राणायाम का उपदेश दिया, हठयोग के जो सबसे बड़े आचार्य हुए जिनको आदि योगी भी कहा है, उस प्राणायाम को मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी क्या होती है? हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां होती हैं। भगवान शिव कहते हैं 350,000 नस नाड़ियां हमारे भीतर होती हैं। उनमें कुछ होती है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रमुख होती है। ईड़ा यानी कि हमारे शरीर का बायां हिस्सा, पिंगला यानी कि हमारे शरीर का दायां हिस्सा, सुषुम्ना यानी कि हमारे शरीर का मध्य का हिस्सा। यानी कि लेफ्ट और राइट को यदि हम एक्यूरेट चलाएं तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाता है, और जैसे ही प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है वैसे ही अनकॉन्शियस पार्ट कॉन्शियस फॉर्म में आना शुरू होती है। इसीलिए मैंने आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करवाया ताकि आपकी ईड़ा नाड़ी भी प्रभावित हो और पिंगला भी, और वो मिल करके आपकी सुषुम्ना को प्रवाहित करने का काम करे। इम्बेलेंस लाइफ में ना रहे, बीपी लो होगा तब भी खतरा है मरने का, और बीपी हाई है तो भी मरने का खतरा है। हार्ट बीट बहुत स्लो है तो भी खतरा है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा है तो भी खतरा है। इसलिए बैलेंस किस प्रकार से है, क्योंकि योग का अर्थ ही बैलेंस होता है, संतुलन। अपने विचारों में किस प्रकार संतुलन हो, अपने शरीर में किस प्रकार संतुलन हो, तो मन को किस प्रकार से संतुलित किया जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किस प्रकार से करें? जैसे आपने अनुलोम विलोम की विधि करी, ठीक अनुलोम विलोम जैसे करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसमें केवल होल्डिंग करनी है आपको। मान लीजिए आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लिया, उसको अंदर रोकना है, उसके बाद दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेकर के अंदर रोकना है, और फिर बाएं से छोड़ देना है। उसका एक रेशियो बताया गया है 1:4:2, लेकिन आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं 1:2:2 का आप रेशियो कर सकते हैं। माने आपने 5 सेकंड में श्वास को भर लिया तो 10 सेकंड तक उसको अंदर ही रोके रखा, 1:2:2, और 10 सेकंड में ही उसको राइट मसल से बाहर छोड़ो। आपने दाएं से जो जिससे छोड़ा था उसी से 5 सेकंड में अंदर भरो, 10 सेकंड तक अंदर रोको और 10 में बाहर छोड़ो, 1:2:2, यानी कि 5, 10, 10, ठीक है, करेंगे दिलचस्पी के साथ करेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे ही दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से और प्राण को भरेंगे। मैं काउंटिंग करता रहूंगा, आपको ऐसे नहीं करना, जैसे मैं कहूंगा 1, 2, 3, ऐसे नहीं करना, एक लयबद्ध होना चाहिए, ठीक है। मैं 1 से 5 तक गिनूं तब तक आप अपना श्वास भर लें बिल्कुल एक रिदम के साथ, फ्लो के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इनहेल योर ब्रेथ 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड योर ब्रेथ इन फैक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exhale your breath through right nostril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inhale your breath through right nostril 1, 2, 3, 4, 5, hold your breath inside 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale your breath through left nostril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कुछ पानी वगैरह खा के ले गया तो वो वाले नहीं कह रहा मैं, मतलब जो